हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरेस आइलैंड में। मैं आपका अपना दोस्त अमित एक बार फिर से हाजिर है कुछ नई और ख़ास टिप्स के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं गुलाब के बारे में। दोस्तों, गुलाब का पौधा ऐसा ही कोई इंसान होगा जिसे गुलाब का पौधा या गुलाब का फूल पसंद ना हो। हर किसी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है क्योंकि गुलाब की खुशबू ही इतनी अच्छी, और गुलाब हज़ारों चीज़ों में काम आता है। आप कितनी सारी चीज़ें हैं जो गुलाब के थ्रू आप बना सकते हैं या बनती हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो दोस्तों, आज मैं वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने गुलाब के पौधे को हरा भरा और अच्छा रख सकते हैं, जिससे कि आप ढेरों गुलाब अपने गुलाब के पौधे से पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो गुलाब का पौधा कि अगर कटिंग आप लगाते हैं तो सितंबर तक आप कटिंग लगा देते हैं, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपका पौधा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है और जिसमें से बर्ड्स निकल आते हैं और वो फूल देने लायक हो जाता है। तो दोस्तों, दूसरा ये मैं बता दूं आपको कि आपको आपके गुलाब के पौधों को प्रॉपर धूप लगानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर धूप लगानी है दोस्तों आपको अपने पौधे को, और उसको पानी सिर्फ उतनी ही मात्रा में देना है जितना कि उसे ज़रूरत है, जितना कि जिससे कि उसकी मिट्टी सिर्फ गीली रह सके। उसको आपको एक्स्ट्रा वाटरिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको बीच बीच में आपको नीम पाउडर या फिर एक स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की फंगस आपके पौधों में ना लगे। तो दोस्तों, ये जो खाद है ये आपको महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर डालनी है, जिसके अंदर मैंने मिलाया कुछ % नीम खली, गोबर का खाद, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, आप अपना किचन वेस्ट से या चाय की पत्ती से आप तैयार कर सकते हैं। बाकी आप इसमें थोड़ा रेत, थोड़ा नीम खली, थोड़ा सा गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट से तैयार करके आप इस खाद को महीने में एक से दो बार अपने पौधों में डाल सकते हैं। दोस्तों, आपको इस खाद को देना किस तरह से वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मॉर्निंग में या इवनिंग में पौधे की गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने के बाद आपको कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही हवा लगने के लिए छोड़ना है, लगभग 2-4-5 घंटे के लिए। फिर आपको इस खाद को उसके अंदर मिलाना है और उस मिट्टी के साथ उसे मिला देना है खाद को। उसके बाद दोस्तों आपको उसके अंदर पानी देना है। दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, इस समय पे इस पे लगभग अभी मैंने इस पे से 2 गुलाब तोड़े हैं और 2 टूट गए हैं। उसके बाद भी 4 गुलाब अभी भी इस पर, एक छोटे से पौधे पर अभी भी बने हुए हैं। 7-8 गुलाब एक साथ इस पौधे पर खिल रहे हैं क्योंकि मैंने इस पौधे की अच्छी से देख रेख की है। इसलिए अभी इस पर देखिए गुलाब के फूल तो हैं ही हैं और इस पर बर्ड्स भी बहुत सारे हैं। इस पर बहुत सारी कलियाँ खिली हुई हैं पौधे पर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस पर कलियाँ भी हैं, देखिए ये भी अभी गुलाब अभी ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो इसलिए गुलाब के पत्तियाँ ज़्यादा झड़ जाती हैं। पर आप उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे कि गुलाब जल या पेस्ट किसी में भी आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी देना कब है, आपको पानी देना है लगभग गुड़ाई करने के, खाद डालने के 4-5 घंटे बाद आपको पानी देना है। कुछ देर के लिए आपको उसको ऐसे ही हवा लगने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आपको पानी देना है। और दोस्तों, दूसरा एक और बता दूं कि इसको प्रॉपर धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको प्रॉपर धूप देनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। और समय समय पर जब इसका फूलों का सीज़न ख़त्म होगा तब आपको इसको, इसकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जहाँ से भी आप, जब भी आपका इसका फूल टूटेगा, उस फूल के टूटने के बाद आपको उस डंडी को वहाँ तक काट लेना है जहाँ तक कि उसमें 3 पत्तियाँ होती हैं। जैसे ही 5 पत्तियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं स्टेम में, आपको वहाँ तक उसको छोड़ के कटिंग कर देनी है। देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए, इस पर अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पर कलियाँ भी, देखिए मैं आपको पास ले जा करके कैमरा दिखाता हूँ कि इस पर कलियाँ, देखिए ये भी कली है और कई सारी कलियाँ इस पर छोटी छोटी बनी हुई हैं। इधर भी देखिए कलियाँ निकल रही हैं नई। और ये देखिए, ये मेरा एक और वाइट गुलाब है जो कि इंग्लिश गुलाब है। इसको भी, इंग्लिश गुलाब को थोड़ा एक्स्ट्रा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो इंग्लिश गुलाब के लिए आपको बनाना पील्स, अनियन पील्स और चाय की पत्ती, इन सब का फर्टिलाइज़र बना के आपको देना होगा। मेरे जितने भी आप फ्लावर्स दिख रहे हैं, मैं सबको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देखता हूँ, इसीलिए इतने ये हेल्दी हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।